हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवी एंड वेलकम बैक टू EDUStudio। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंटीजर्स क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 और ये उसका सेकेंड पार्ट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। इस पार्ट में हम क्वेश्चन 6 से 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 5th तक सारे पार्ट सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर हमें ये दे रखे होंगे इंटीजर्स, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देखते हैं, एंड हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, -37 -15 -2, तो ये हो जाएगा -37 +15 -2, फिर ये हो जाएगा -39 +15 एंड -39 +15 इज इक्वल्स टू -24 विच इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट, 16 माइनस, अब ये हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में ही हो जाएगा 14 +2 +6। नाउ ब्रैकेट के सारे नंबर्स पॉजिटिव है तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 16 -22, नाउ 16 -22, 16 -22 इज इक्वल्स टू -6, तो हमारा आंसर आ गया -6। सेवेंथ क्वेश्चन, यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पर हमें ऑपरेशन करना है कोई भी जो हमें दे रखा है, एंड देन हमें आंसर फाइंड करना है, एंड देन उस आंसर को कंपेयर करना है। सबसे पहले -1 + -5, -1 + -5 ये हो गया -6, एंड -7 - -5 इसका आंसर होगा -2। -6 और -2 में से ग्रेटर है -2, तो ये बड़ा हो जाएगा। सेकेंड, 42 - 35 + 12, एंड दूसरी जगह पर है 42 - 35 - 12, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 90, एंड इसका 42 - 35 - 12 इसका आंसर आ जाएगा -5। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव विल बी ग्रेटर, तो दिस विल बी ग्रेटर। नाउ अब थर्ड वाला देख लेते हैं, 6 - -2 + 5 एंड -1 - -2 - 3, इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला। लास्ट वाला देख लेते हैं, -35 + 64 + 41 एंड -59 - -81 + 160, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला ग्रेटर होगा। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन सिंप्लीफिकेशन इज नॉट नेगेटिव, तो हमें देखना है कि अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें सारे ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं, -8 - -4 + 5, तो ये बन जाएगा -8 + 4 + 5। सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा -8 + 9 एंड -8 + 9 इज इक्वल्स टू 1। अब 1 क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ए का जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं है, तो दिस विल बी करेक्ट। अब क्योंकि ए को सॉल्व करते ही हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया तो हमने ए को टिक मार दिया, पर अगर ए में हमारा आंसर नेगेटिव आता तो हम इसको आगे भी सॉल्व करते। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9 को, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स वर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इफ ऋषि स्कोर इन 6 सक्सेसिव राउंड्स वर 30 - 10 - 12 - 5 - 15 and 20, देन वट इज हिज टोटल स्कोर एट द एंड। तो इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इन सब को
ऐड करना है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, 30 + -10 + -12 + -5 + -15 + 20, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सो दैट इज करेक्ट। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 - 1 + 2 - 3 + 4 एंड सो ऑन टिल 20। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पेयर्स बनेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये जीरो अलग रहेगा, देन उसके बाद पेयर बनेगा -1 + 2, ये 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद -3 + 4। ऐसे करते करते हम 20 तक पेयर्स बनाएंगे, एंड अगर हम 20 तक ऐसे पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास रहेगा 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 20 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स तक यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर 10 टाइम्स तक 1 आएगा, दैट मीन्स 1 को हम 10 टाइम्स तक ऐड करेंगे, और 1 को अगर हम 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 0 एंड 0 अगर हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ गया 10। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शिवी एडु स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो